फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है जयपुर के बस स्टैंड के बारे में। तो हम आपको दिखाएंगे कि जयपुर का बस स्टैंड कैसा दिखाई देता है। आपको यहाँ जो है एक से एक लग्जरी बसेज देखने को मिल जाती हैं। इन्हें देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, देखेंगे आप सामने। यहाँ आपको देखने का आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो इस प्रकार से यहाँ आपको टोटल जो है प्लेटफॉर्म 4-5 देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको बस कहाँ से कहाँ की मिल जाएगी। तो देखेंगे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ बस मिल जाती है अजमेर की, रावर की, जोधपुर, पाली, सिरोही, अहमदाबाद, जलोर, बामड़ी, ये जितना भी यहाँ पर राजस्थान में आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। और देखेंगे आपको इस प्रकार की यहाँ जो है बसें देखने को मिल जाती हैं। ये बसें जो हैं यहाँ के राजस्थान की गवर्नमेंट की बसें हैं और आपको इसमें किराया जो है बहुत ही कम लगता है। ऊपर देखेंगे आप फुलवादी डिपो लिखा हुआ है, जैसा कि आपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा जहाँ से हमने दिखाया था आपको यूपी डिपो वगैरह की बसें कैसे चलती, हिमाचल डिपो की दिखाई थी, पंजाब डिपो की दिखाई थी। आज हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान डिपो की। तो कुछ इस प्रकार से पूरे यहाँ पर जो है बस स्टैंड दिखाई देता है। आप देखेंगे बहुत ही प्यारा बस स्टैंड है और बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ बसें खड़ी रहती है। यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है राजस्थान परिवहन निगम। ऐसे ही हमारे MP में चलती थी पहले मध्य प्रदेश परिवहन निगम, लेकिन वो बंद हो चुकी हैं और यहाँ पर अभी भी जो है यह चालू हैं और हमारे MP में बंद हो चुकी है। का बस स्टैंड जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा था, आप देखेंगे यहाँ सामने आपको जो दिखा हुआ है वह भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी देखेंगे आप अच्छी खासी धूप निकली हुई है और अभी मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यह देखेंगे आपको थोड़ा साफ भी दिख रहा होगा ब्लॉग में। यहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बसें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट बसें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। और गवर्नमेंट बसें हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बस ख़राब है, बहुत ही अच्छी बसें। हमने भी सफ़र किया खाटू श्याम से लेकर जयपुर तक का, उसमें हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी क्योंकि उसको जो विंडो वगैरह थी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, लगी थवा नहीं आ रही थी। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे प्राइवेट बसें भी हैं, तो हम जैसा बता रहे थे आपको कि वॉल्वो बस के लिए अलग से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहाँ पे लिखा है डीलक्स प्लेटफॉर्म, तो आप वहाँ से जो है वॉल्वो की बस वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे खड़ी होती हैं वॉल्वो की बसें जो कि बहुत ही लग्जरी बसेस होती हैं और उनका किराया जो है अच्छा खासा होता है, महंगा होता है जो कि यहाँ की आम बसें हैं गवर्नमेंट बसें उनसे। यहाँ की जो प्राइवेट बस है उनका जो है वो किराया होता है। तो देखेंगे आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, आपको नहाना धोना जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं। और ये पुरानी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ भाई, अगर आप कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन को और राजस्थान परिवहन को, तो इसमें बहुत आगे है आपका राजस्थान परिवहन, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन में हमने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा, तो हम उसके समझ सकते हैं कि यहाँ पे भाई राजस्थान परिवहन बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब परिवहन भी सही था और हिमाचल परिवहन भी सही था। और ये जो आप देख रहे हैं सामने उत्तर प्रदेश परिवहन, ये है भाई स्वर्गराज चलता फिरता। इनके ड्राइवर इतने तेज़ होते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं पता नहीं चलता कि आपको जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म 4, ऐसे ही जो आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखेंगे बसेज वगैरह हैं, इनकी सुविधा है भाई, इनकी जो तुम्हें कुछ बसें जो है थोड़ी बहुत ख़राब होगी, बट इनकी मोस्टली बसें जो है बहुत अच्छी हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी जो है हवा नहीं आती। अगर आप सफ़र करते हैं तो कंफर्टेबल होता है, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बस की बात करें कंपेयर करें तो उसका जो है बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधाएँ देखने को मिलती हैं। ये था देख सकते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है सामने 2, यहाँ पर है 3 और वहाँ पर हमने आपको दिखाया 4 और 5। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पर जो बस स्टैंड बना है, यह बस स्टैंड काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है आप देखेंगे। और आपको सामने यहाँ पे मेट्रो वगैरह काम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर आए तो जयपुर घूमने के लिए आपको 3 किले मिल जाते हैं, जिसमें ओमर का किला जो सबसे अच्छा है, उसके बाद आप जो है हवा महल घूम सकते हैं, झील वगैरह हैं और कुछ आसपास में जंतर मंतर वगैरह है, ऐसा कुछ सारी चीज़ें हैं वो आप घूम सकते हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। देख रहे हैं आप यहाँ का एंट्री पॉइंट, यहाँ से आपको जो है बस के अंदर आती हैं और यहाँ साइड से बसें जो है वो बाहर जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का पूरा यहाँ पर जो है आपको बस स्टैंड दिखाई देता है, देखेंगे आपको चारों तरफ बस ही बस दिखाई दे रही होंगी। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जयपुर का बस स्टैंड, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बसें वगैरह मिल जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पे और भी बस स्टैंड है जहाँ से आपको बसें वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आपको एग्जिट पॉइंट दिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। घूमेंगे हवा महल, घूमेंगे सिटी पैलेस, घूमेंगे जल महल, घूमेंगे कनक बाग, घूमेंगे और जोधा अकबर का जो महल है आमिर फोर्ट किला, वो घूमेंगे। इसमें आपको 300 रुपये मेम्बर लगेगा। पहले अगर आपको नाश्ता करना है, खाना खाना है, तो राजमंदिर पड़ता है यहाँ का, वो सिनेमा हॉल है, राजमंदिर से पहले रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना वाना खा के आराम से चलेंगे। ठीक है भैया, हम आपको बता देंगे जैसा भी होगा। आप तो यहीं पे है ना? ठीक है ठीक है, हम आपसे बता देंगे जैसा भी होगा। घूमने को जाएंगे ना आप? हाँ, हम अभी जाएंगे तो हम आपको बता देंगे, अभी हमारा भी है नहीं प्लान घूमने का, जैसा होता है बताते हैं हम आपको। ठीक है, खाना वाना खाना? हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा जयपुर का बस स्टैंड, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ में भाई ओमकार, भाई वारिस, कैसा लगा आपको सफ़र करके? लग गए।
ठीक है, ठीक है भाई साहब, मिलते हैं फिर आपसे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद। और थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है, जल्दी जल्दी। हाँ वो खा लेंगे भैया, जल्दी जल्दी हम लोग घूमने की कोशिश करेंगे।